Assalamualaikum viewers, welcome to Hina Bilal Canada Vlogs. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें. आमीन सुमा आमीन. आज की वीडियो जो कि आप लोग देख रहे हैं कॉस्टको और आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए, ये बहुत बड़ी एक जो है ना, जिसको आप कह सकते हैं एक आई ओपनिंग वीडियो है. इसलिए लाजमी इसको देखिएगा कि कॉस्टको में ग्रॉसरी की प्राइजेज और जो कनाडा में स्पेशली इन्फ्लेशन की, जो राइट नाउ इन्फ्लेशन की क्या हालत होती जा रही है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा. एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा. और आजकल ना काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई है, क्योंकि अभी हेलोइन भी गुजरा है और साथ में क्रिसमस आने वाली है. तो साल में जो बड़ी जो सेल्स होती है ना पूरे साल में, वो लगती ही बेसिकली नवंबर दिसंबर एंड अक्टूबर में है. लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर इनमें ही सेल लगती हैं. बड़ी बड़ी बॉक्सिंग डे की लगती है, ब्लैक फ्राइडे की लगती है, क्रिसमस की लगती है, हेलोवीन की लगती है. तो काफ़ी ज़्यादा सेल्स आजकल चल रही हैं. तो मैंने जो है ना कपड़े काफ़ी ज़्यादा बाय किए हैं बिलाल के लिए. अपने लिए जो है वो मैंने एक नाइट सूट लिया है, उसकी मैं वीडियो बनाना भूल गई. लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि आजकल ना बहुत ज़्यादा सेल्स लगी हुई हैं हर मॉल्स में, हर जगह विनर्स, मार्शल्स और बड़ी बड़ी आउटलेट्स. मैंने अर्बन किड्स से जो है ना, वो वहाँ पे बहुत अच्छी सेल लगी हुई है बच्चों की. तो मैंने अपना वहाँ से अपने लिए जो है ना, ये इस तरीके से जो फ्लीस वाला कम्फी वाला जो नाइट सूट होता है ना, यही मैं हमेशा से पहनती हूँ विंटर्स में. तो वहाँ पर बड़े अच्छे रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे. अगर आप लोग जाना चाहें तो वहाँ पर जाके आप लोग बड़ों के साइज़ के भी मिल रहे थे वहाँ पे फ्लीस मटेरियल ना, नाइट सूट और पीजेस. एंड उसी की वजह से अगर आप एक कोई भी चीज़ लेंगे ना, तो दूसरी सेकंड चीज़ आपको फ्री मिलेगी. सीरियसली फ्री मिलेगी. आप मतलब कि पूरी शॉप में कोई भी चीज़ देख सकते हैं, वो आपको फ्री मिलेगी. तो मैंने जो है ना वो अपने लिए नाइट सूट लिया था और उसके ऊपर भी 50% ऑफ लगा हुआ था. उसके बाद जब मैंने दूसरी जो चीज़ ली थी, वो जोहा के लिए मैंने एक हुडी लिया था. वो बहुत प्यारा, इतना प्यारा पिंक कलर का ना, उसके स्कूल के लिए मैंने हुडी लिया था और दैट वाज फॉर लाइक $25 का था वो, और वो मुझे फ्री मिला था. तो मैंने $16-$17 प्लस टैक्स पे मैंने अपना नाइट सूट लिया और मैंने वो हुडी जो है ना वो मुझे फ्री मिला. तो बहुत ही माशाल्लाह जो है ना वो हम लोगों को एक अच्छी जो है ना डील मिल गई. और मैं मतलब जब आपको फ्री कोई चीज़ मिलती है ना, तो बहुत ही खुशी मिलती है. साथ में ये आप लोग देख रहे हैं क्लियरेंस सेल पे ना, ये जैकेट लगी हुई थी 60% ऑफ पे, और लेदर की, प्योर लेदर की जैकेट थी 60% ऑफ पे $20 की, $50 की थी ये ओरिजिनल, और ये मुझे मिल रही थी $25 की. तो अभी खैर मेरे इसका जो साइज़ था वो काफ़ी स्मॉल था, लेकिन मुझे अभी फिलहाल जो है ना, क्योंकि स्नो पड़ने वाली है, जब बंदा स्नो का सोच रहा होता है ना, तो ये छोटी मोटी जैकेट्स कोई मायने नहीं रखती. स्नो जैकेट जो है ना वो मेन चीज़ होती है. और कॉस्टको पे मैं आप लोगों को एक और भी बात बता दूँ, कॉस्टको पे जो है ना वो स्नो जैकेट्स मिल रही हैं लाइक $25 की. $25 की कभी आपने सुना है कोई जैकेट मिल रही हो? पफर जैकेट्स मिल रही हैं $25 से स्टार्ट हो रही हैं जैकेट कॉस्टको पे. इतनी मज़ेदार डील्स लगी हुई है ना. बस मैं बिलाल के लिए जो है वो चपली कबाब बना रही थी, तो फिर हम लोग उधर से आए और हम लोगों को पहले तो मैं एक दिन पहले का आप लोगों को जो कपड़ों का दिखाया था वो मैं मॉल गई थी. उधर से कुछ मैंने कपड़े लिए थे, अपना नाइट सूट लिया था, जोहा का जिपर लिया था, बिलाल की शर्ट ली थी. एंड फिर उसके बाद आके जो है ना मैंने बिलाल के लिए चपली कबाब का मैरिनेशन करके गई थी. तो बना ही देती हूँ. तो मैंने फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है, मैंने आपको कॉस्टको का ब्लॉग दिखा रही हूँ. काफ़ी ज़्यादा जो है ना कॉस्टको पे सी फूड, जो आप लोगों को पता है सी फूड अगर कहीं से लेना हो तो कॉस्टको से लें, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है. तो ये बिलाल ने फिश फिले लिए थे $24 के.
इधर तलापिया फिश है, इसका नाम तलापिया, और इसके फ़िश फिलेस बिलाल ने लिए थे, क्योंकि मैं बिलाल को जो है ना, हम लोगों ने सालमन भी ट्राई कर लिए, हमने रेड स्नैपर भी ट्राई कर लिए, लेकिन जो सबसे अच्छी जो बिलाल को जो अभी तक फिल वक्त लगी है वो उनको लगी है ये तलापिया। तो बस मैंने तिलापिया ले लिया यखनी के लिए मैंने, और कई लोगों ने मुझे बोला है कि आप लोग चिकन यहाँ से कॉस्टको से क्यों लेते हैं, कॉस्टको का चिकन हलाल नहीं है। कॉस्टको का चिकन हलाल है, कर्कलैंड का जो चिकन है उसके नीचे प्रॉपर स्टैंप लगी हुई है हलाल की, आप लोग ध्यान से देखा करें और फिर किसी को जजमेंट पास किया करें कि ये आप हलाल चिकन नहीं खाते हैं। तो हलाल ही है, और हलाल देखे बगैर मैं कभी भी कोई चीज़ नहीं उठाती। खैर सी फूड पर तो ऑब्वियसली हलाल का स्टैंप नहीं होगा, सी फूड तो वैसे ही हलाल होता है। द थिंग इज़ के जो चिकन है कॉस्टको में कर्कलैंड का, उसके नीचे हलाल का प्रॉपर स्टैंपिंग लगी हुई होती है, और मैं वहाँ से ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स चिकन उठाती हूँ, लाइक बोनलेस हो गया, बोनलेस थाइज हो गई, और बाकी जो कीमा मटन वगैरह है वो एक डिफरेंट शॉप है, मुस्लिम शॉप है, जहाँ से मैं जो है वो पाकिस्तानी ग्रॉसरी और सारी जो है देसी अपनी जो सारा ग्रॉसरी करती हूँ, और उसी में जो है उधर से ही मैं ले लेती हूँ गोश्त और कीमा वगैरह। बाकी चिकन जो है ना वो मैं प्रेफर करती हूँ कॉस्टको से ही लेना, क्योंकि कॉस्टको के चिकन ये बहुत मुझे जो है ना बहुत अच्छा लगता है, विद स्किन होता है, और जो बोनलेस आप ले सकते हो वो विदाउट है। मुझे कबाब बनाने होते सीख कबाब बनाते होते, कुछ भी बनाना होता है मैं कॉस्टको से लेती हूँ। अभी मैंने विंग्स लिए हैं क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और मुझे सूप के लिए स्टॉक अप करना है। पीछे जो आप लोगों ने देखा था वो सूप का जो है ना वो एक पैकेट था जो मैंने फ्रीज़ करके रखा था, तो वो जोहा को आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है ना बुखार, और वही जो आप लोगों को पता है कि मौसम चेंज होता है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, तो बच्चों ने तो लाजमी बीमार होना होता है। तो मैंने फ्रीज हुआ जो सूप के पैकेट्स बनाए हुए थे तो वो मैंने एक उसके लिए निकाल लिया था। बस फिर मुझे और सूप बनाना था और स्टॉक अप करना था, तो फिर मैंने जो है ना एक विंग का की ट्रे उठा ली थी, चिकन विंग्स की ट्रे, और साथ में मैंने बिलाल के लिए फ़िश उठा ली थी। ये देखिए यहाँ पे कॉस्टको के इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त केक्स हैं ना, लाइक आपको इसमें जो है ना कोई वो करने की ज़रूरत ही नहीं है कोई ऐडअप, और $25 के केक थे, मतलब इतना बड़ा पार्टी केक $25 का। कॉस्टको के केक बहुत मज़े के होते हैं, ये डबल चॉकलेट वाला भी हम लोगों ने खाया है, हम लोग सोच रहे थे लोटस वाला करेंगे, लेकिन जोहा की जो है ना 16th को बर्थडे आ रही है, तो हम लोग सोच रहे थे कि या तो मैं सोच रही थी कि मैं खुद बेक कर लूँ, या फिर बिलाल बोल थे कि बेक करने से बेहतर है एक ही दफ़ा जो है यहाँ से ले लो, क्यों इतने बड़ी हैसल करोगी घर में। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आएंगे, तो बस एक छोटा सा गेट टुगेदर करने की कोशिश करूँगी मैं, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। तो बाकी ये है कि ये आप लोग देख रहे हैं चॉकलेट बिस्कॉटी, अच्छा ये कैफीर जो है मिल्क, ये किस किस ने ट्राई किया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने जैसे लिया ना और बिलाल गाड़ी में गए, तो बिलाल ने जैसे इसको ड्रिंक किया तो बिलाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये थोड़ा सा एस बिलाल ऐसे बोले थे जैसे लस्सी नहीं होती है वैसी मुझे लस्सी लग रही है। तो हालांकि ये बहुत प्योर होता है, $7 का खाली ये बॉटल हमें मिली थी। इंग्रेडिएंट्स देखो, तो बस कॉस्टको आए और चॉकलेट्स ना आए, और साथ में क्रिसमस की चॉकलेट्स आई हुई थी, इतनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त पैकेजिंग ही, इतनी लग्जूरियस पैकेजिंग होती है ना, लाइक आपने गिफ्ट्स देने होते हैं तो इतनी खूबसूरत पैकेजिंग में, ये बेल्जियम वर्ल्ड फाइनेस्ट बेल्जियम चॉकलेट थी। रेड और ग्रीन, वी ऑल्सो हैव गोल्डन। Red, green or golden? Red, green. No, red. You have to choose one. Red. I like this one. Okay, that green. Okay, wait.
ये भी उतने की है। इसमें ये होंगी तो जरा सी है, दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स होंगी। आधे डॉलर की है क्या? चलो वर्ल्ड्स फाइनेस्ट चॉकलेट खा के देखते हैं। वैसे ये वाली डार्क वाली बहुत अच्छी है, लेकिन ये और भी महंगी है। ये ना हाँ, मतलब उससे लंबी चलेगी है, उससे लंबी चलेगी है। महंगी दे रहा है 23 की। Deserts of Europe. ये भी बहुत अच्छी होती है। ना ये पाइन नट्स बहुत मजे के होंगे। है ना, ये काजू से भी मजे के होते हैं, जैसे चलगोजे होते हैं ना पाकिस्तान में, पाइन नट्स। ये दिख कम रही है, लेकिन एक एक चीज काफी ज्यादा महंगी है। फिर ले चलगोजे, चलगोजे भी ले रहे हैं। चॉकलेट, चॉकलेट्स रख दो, फिर कभी ले लेंगे। ये अभी घर में भरी हुई है इतना क्या। व्हाई रख दो ना वापस।
रखो 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 इधर रख, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो No. Please remove the unscanned item. No, return it. Remember no, to no. scan your item before placing it in the tray area. Okay. Chalo. 32.99. Abhi teen cheezon ka sattar ho gaya. 11.39. $24.99 $17.99 $15.99 $23.11 Place your item in the tray area. Place your item in the tray area. Each item must be placed in the tray area. 24.31 बस 200 एंड समथिंग बिल बना कॉस्टको का, और फिर हम लोग शेल्बीज चले गए. वहाँ से हाफ हाफ हम लोगों ने शेल्बीज का ट्रेडिशनल लेजेंडरी रैप ले लिया. घर आके आप लोग देखे बच्चे माशाल्लाह कितने ज़्यादा खुश हुए हैं. ये बच्चियों की खुशी होती है जिसके लिए हम लोग इतना एफर्ट कर रहे होते हैं, इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं. तो बच्चियाँ बहुत एक्साइटेड थी चॉकलेट को लेके. और एंड तक लास्ट में देखिएगा ये वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना ब्लॉग चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. शुक्रिया. In an intense dark chocolate with a smooth ganache filling. It. Then it's red. वो ऊपर से वो कवर है उसका. अच्छा. This is chocolate. Okay. They are two trays. This one and this one. Okay, now one go, let it be over there. One for Gina, one for me. Open. 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 One. Surprise! Wait. Second one. Okay. Go say your. I think ये वाला. It's written on the top. What are the flavors? I think I'm need this one. This one. This one. No, wait. Take two, mama, please. No, only one. Only one. Please. It's dark chocolate. Zinia, leave it. Just first, इसको रखो. रखो. Mint वाली निकल आई तो ये जाया कर देंगी. A lemon filling encased in a dark chocolate. Dark chocolate surrounds a dark coffee ganache. Classic combination of dark chocolate and caramel. Ganache with crispy cocoa. I'm getting this. Nibs covered in regular wali kaun si hai? Milk chocolate with a classic truffle. I don't get that one. Yeah, this one. A dark cup filled with maple syrup caramel. No, I want. I want this one. Wait, wait, wait! Aista, aista.